वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में हम बात करेंगे पार्लियामेंट लोकसभा में कल ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया है। जाहिर है पास ही होगा क्योंकि बीजेपी हुकूमत की मेजॉरिटी है वोटिंग में, इसी वजह से पास होना जरूरी था, पास हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन कल डिस्कशन के दौरान सदर मजलिस हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जो स्पीच थी, सब लोगों ने स्पीच पर गौर किया लेकिन एक नई चीज पर गौर नहीं किया। और वो नई चीज हम बताना चाह रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नया लुक। पहली मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में शेरवानी पर नाले मुबारक की, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक जिसे कहा जाता है, उसका ग्लव अपने शेरवानी पर डाला था। शायद बहुत से लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। ये पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नया लुक देखने को मिला है। आइए देखते एक नजर। हिंदू महिलाएं डिजर्टर का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है, क्या हुआ? सोशल इवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। नाजरीन, तो ये था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का नया लुक। अब चलते हैं हम कांग्रेस की एक सीनियर एमपी नौजवान रंजीत राजी ने कल बहस के दौरान जो खास बात कही, शायद कोई भी मुसलमान एमपीओ ने नहीं कही। और वो खास बात उन्होंने कुरान के सूरे निसा और सूरे बकरा की आयतों को कोट करते हुए पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया, जिस पर सारे ऐवान में मौजूद एमपी हैरत जदा हो गए। एक नॉन मुस्लिम एमपी, लेडी एमपी, कुरान के आयतों को कोट करते हुए बहस में हिस्सा लेना बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं। हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा, उसमें जो सूरे निसा है जिसमें डाइवोर्स से पहले 5 स्टेप है उसको पढ़ा, सूरे बकरा है जिसमें 228 से 240 पेज तक डाइवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। अनकट का पहला अनुमान, अब दूसरे अनुमान पर चलते हैं। 29 और 30 तारीख को मीरालम ग्राउंड पर, ईदगाह ग्राउंड पर दावते इस्लामी का 2 रोजा जबरदस्त जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए एक तरफ दावते इस्लाम के कायदीन लोगों से अपील कर रहे हैं, आइए पहले वो अपील देख लेते हैं। सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे से और नाइट कम पेश इंशाल्लाह 12 बजे तक चलेगा, और संडे 30 दिसंबर को सुबह जब शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह रात में इशा के बाद इंशाल्लाह जबल ख़त्म होगा। कम पेश इंशाल्लाह रात 9 बजे तक हमारा ये 2 रोज़ा अजीम शान इज्तिमा इख्तिताम पज़ीर होगा। इसमें माशाल्लाह अज़्ज़वजल बहुत सारे इस्लामी भाई मदनी काफिलों के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए और बसेस के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह रियासत और हमारी आंध्र प्रदेश, ये 2 स्टेट से इंशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इनके लिए माकूल इंतज़ाम किया गया है रिहाइश का और अच्छी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बेहतरीन अंदाज में टॉपिक पर बयानात हो गए कुरान पाक। तो दूसरी तरफ सूफी ग्रुप के सदर मिलाद जुलूस के कन्वीनर शहर की मशहूर हस्ती हाफिज मुजफ्फर ने कल एक अपने वफद के साथ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम सबमिट किया, और उस मेमोरेंडम में इन्होंने दावत इस्लामी के 2 रोजा जलसे को कैंसिल करने का डिमांड किया और बहुत ही खतरनाक इल्जाम लगाया। और इल्जाम यह है कि दावत इस्लामी के लोगों से पाकिस्तान के ताल्लुकात है, पाकिस्तान के टेररिस्टों से ताल्लुकात है, लिहाजा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हैदराबाद में जलसा मुनक्कद करने की इजाजत ना दी जाए, कैंसिल किया जाए। हाफिज मुजफ्फर, पुलिस ने उनकी कंप्लेंट तो ले ली है, तहकीकात कर रही है और साथ ही साथ
पुलिस कमिश्नर डीसीपी साउथ जोन ने यह कहा है कि कोई प्रूफ है तो बताएं, ऐसे इत्तला मिली है इन लोगों के ताल्लुकात टेररिस्टों से है, ऐसा कोई प्रूफ है तो सबमिट करिए, तो हम जलसे को कैंसिल करते हैं। बहरहाल मुसलमान एक दूसरे के टांग खींचने पर तुले हुए, उधर त्रिपल तलाक का बिल पास हो गया, जब मुसलमान एक दूसरे के टांग खींचने पर तुले रहेंगे तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जैसी हुकूमत मुसलमानों की शराइ हर मसले पर मुदाखलत करेगी, ये तय है। तो ये था आज का हमारा अंकट, उम्मीद है कि जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कॉमेंट करिए, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।